This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम जो हैं इतने दिनों के बाद बात कर रहे हैं, वो भी किसके बारे में? आपकी प्यारी गधी के बारे में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या जो ये सफाई 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 का इतना बड़ा इशू इन गधी ने यूट्यूब पे बना दिया है, क्या सच में सफाई का इतना बड़ा इशू है जो इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे? आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर कुत्ता भी जब बैठता है तो वो अपनी दुम हिला के बैठता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो कहावत है ना, इसका कुछ मीनिंग है। ये नहीं कि हम इसको कुत्ता बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, ये एक कहावत है और इस कहावत का मीनिंग होता है कि जब कुत्ता भी बैठ रहा होता है तो उसको सफाई पसंद होती है, इसलिए वो अपनी दुम हिलाता है और जिस जगह पर वो बैठ रहा है उसको थोड़ा साफ़ करता है और बैठ जाता है। तो यानी कि जानवरों को भी सफाई पसंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को, इंसानों को सफाई पसंद बिल्कुल भी नहीं होती, या यूँ कह लो कि सफाई करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है और वो मेहनत उनसे नहीं होती। चाहे वो अपनी मेहनत दूसरे कामों में बहुत ज़ोर शोर से दिखाते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग तो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतना बड़ा इशू भी नहीं था जो इन लोगों ने बना दिया। पहले सबसे शुरुआत होती है शिफ्टिंग की बगल वाले घर में, लेकिन जो हमारी गधी हैं वो शिफ्ट करना शुरू करती हैं कपड़े, भर भर के कपड़े, थैलों में कपड़े, कपड़े ही कपड़े। एक दिन नहीं, आई थिंक हफ्ता 10 दिन वो कपड़े ही शिफ्ट करती रहती हैं, क्योंकि उनका जो भाई छोटा है छुछुंदर, वो अपनी वीडियो में आके बोलता है कि घर का भारी भारी फर्नीचर तो मैंने ही शिफ्ट किया है, लेकिन मेरी गधी बहन ने दिखाया ही नहीं। अब छुछुंदर भैया, आपकी बहन ने नहीं दिखाया तो इसमें हम क्या करें? तो चलो, छुछुंदर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम गधी पे ही रहते हैं। तो गधी जो है वो कपड़े भर भर के बैग में खुद भी लेके जाती है, मम्मी को भी कहती हैं कि आप भी करो, क्योंकि उन्होंने मम्मी का नया चैनल जो खुलवा दिया था और अब उस चैनल पे कुछ वीडियोस डालने थे। अब वीडियोस डालने के लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं कि उनकी मम्मी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगी और वो वीडियो शूट करेंगी, यूट्यूब पे डालेंगी और सब आके देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने मम्मी को काम पे लगा दिया। उन्होंने कहा, मम्मी जो ये हल्का सा फ़ोन है ना, इसको वीडियो शूट करने के लिए मैं होल्ड करूँगी, आप ये भारी भरकम बैग जो है इनको उठाइएगा। अब ऐसी बेटियाँ देख लो कैसे कर सकती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती कि अपनी बूढ़ी माँ को बोलती हैं कि सामान तो आप उठाइए भारी भरकम, ये फ़ोन मैं उठाऊँगी, शूट करूँगी आपको, कि बूढ़ा इंसान कैसे ये भारी भरकम बैग उठा उठा के सीढ़ियों से नीचे उतरता है, फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। ओह माय गॉड, इतना सारा काम। अब इनकी मम्मी जी, मैं आपसे तो यही कहूँगी कि क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, सच में कुछ नहीं कह सकते। अब आपके बेटा बेटी ऐसे हैं कि आपको इस उम्र में आराम करवाने की जगह काम करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम क्या ही कहें। क्योंकि और लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं, मम्मी पापा आपकी उम्र हो चुकी है, आप लोग आराम कीजिए, अपने नाती पोती पोता सबके साथ खेलिए। वो ये नहीं कहते कि आप काम करें फिर हम डॉलर्स कमाएंगे, वो ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर कुछ यूनिक लोग रहते हैं, उनके काम भी यूनिक होते हैं, तो इसीलिए बूढ़ी अम्मा को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, तो वो भी भारी भरकम सामान उठा के चढ़ती हैं। चलो जी, फिर आगे पहुँच जाती हैं हमारी गधी एक और फ्लैट को रेंट पे लेने के लिए। लोगों को दिखाती है मैं घर से अलग हो रही हूँ, क्योंकि आखिर घर से जो है ना अलग रहें तो ही अच्छा रहता है, मायके में इज्जत बनी रहती है। वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो आज तक उन्होंने शायद नहीं की थी, कि एक लड़की जो है वो मायके में अच्छी नहीं लगती। ये उन्होंने खुद अपने मुँह से एक ब्लॉग में बोला था और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में इस बारे में बताया था कि मैडम जब आपको अपने मायके की ज़रूरत थी तब तो आपको मायके में रहना बड़ा अच्छा लगता था और आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, और आज जब आप पैसा कमाने लगी हैं तो आपको मायके में रहना पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है कि लड़कियां मायके में रहें, क्योंकि लड़कियां मायके में अच्छी नहीं लगती, ये बात आपने कही है। तो आपने उन लड़कियों के दिलों को ठेस पहुंचाई है जो आपकी तरह डॉलर्स नहीं कमा सकती हैं और बेचारी मजबूर हैं अपने मायके में रहने के लिए। मायका भी उन्हीं का ही घर है और वो रह सकती हैं, तो आपने ये बात वहाँ गलत बोली थी। आपने इसीलिए बोली थी क्योंकि जो पैसों का थोड़ा सा सुरूर है ना, वो आपके दिमाग में चढ़कर बोलने लगा है। अक्सर ऐसा होता है जब लोग पैसों के नशों में डूब जाते हैं आपकी तरह, तो आपने भी ऐसा ही बोला। ओके, बट आप लोगों ने अपने व्यूअर्स को गलत दिखाया कि आप अलग हो रही हैं, क्योंकि अब तो व्यूअर्स एट लास्ट समझ ही गए होंगे कि अलग कौन हो रहा था, इनके डैडी। एक्चुअली अलग कोई नहीं हो रहा था, वो एक फ्लैट
ताकि एक परमानेंट एड्रेस इनको मिले और फिर इनको वो पेंशन और फ्लैट जो इनकी नज़र है, जिसपे गरीब लोगों वाला हक मारने वाला वो वाला फ्लैट उन पे इनकी नज़र है, तो वो इनको मिल जाए। इसलिए सब जो है टेंट्रम जो है इन्होंने किया था, बाकी कुछ लेना देना नहीं था, अलग होना वोना कुछ नहीं था, ये हमने सब ने देख ही लिया है। तो चलो अब हम आते हैं कि मम्मी पे, इन्होंने मम्मी का चैनल भी बना दिया, जिन मम्मी को आज तक सब लोग आज तक के अभी तक भी ये लोग बोलते आए हैं कि काम नहीं करती, काम नहीं करती, चाहे वो पापा हो, बेटी हो या बेटा, सब लोगों ने सिर्फ एक ही धुन बजाई, मम्मी काम नहीं करती, मम्मी काम नहीं करती। लेकिन इनकी मम्मी ने तो अपने व्लॉग्स में कुछ अलग ही करके दिखाया भैया। वो तो हर टाइम सिर्फ एक ही बात बोलती हैं, मैं काम करती हूँ, सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, दोपहर का रूटीन। अब एक बात तो है कि देखो बच्चे को तो वो रखती हैं, दैट फॉर श्योर, वो सब लोगों ने देखा है कि जो हमारी गधी हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब इनकी मम्मी पर, और वो अच्छे से निभा रही हैं इस बात को, हम सब ने देखा भी है। तो काम का तो देखो इनकी मम्मी के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि वो कितना काम करती हैं या नहीं वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ये हो सकता था कि गधी उनको दिखाती नहीं थी जब वो काम करती थी, और सिर्फ सिंपैथी या कुछ भी करने के लिए सिर्फ वो बोलती थी कि बचपन से हम लोगों ने ऐसी लाइफ जी है, हमारी मम्मी ने काम नहीं किया है, तो मे बी जैसे बाकी के इन्होंने ड्रामे किए हैं ये भी एक ड्रामे का पार्ट हो, और अपनी मम्मी को खुद ही बदनाम करने का काम जो है इन लोगों ने कर दिया था। लेकिन अभी तो इनकी मम्मी बहुत काम कर रही हैं किचन में। लेकिन एक चीज़ मैं इन माँ बेटियों को एडवाइस देना चाहूँगी ये वाली, कि जब भी मैडम आप शूट करने में बिज़ी होती हैं कैमरा उठाकर, और आपकी मम्मी बिज़ी होती हैं कुकिंग करने में, तो प्लीज़ अपने छोटे से बच्चे को या तो अपने भाई को दें या अपने पापा को दें, उनको साथ में किचन में लेकर गोदी में लेकर खड़े ना होने दें अपनी मम्मी को, क्योंकि कुकिंग का काम डेंजरस होता है बच्चों को साथ लेके अगर वो कर रही हो तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस। बाकी तो आप लोगों ने जो ड्रामे करने हैं वो आप लोग करोगे कि आप कैमरा उठा के खड़ी हो, वो कुकिंग कर रही हैं, वो सीढ़ियाँ पानी डालकर धो रही हैं, मतलब वो गिर सकती हैं, स्लिपरी होता है, लेकिन आप शूट करेंगे और वो वॉश करेंगी स्टेयर्स को, तो ये आप लोगों का ही काम है। हम लोग तो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं कि बेटर होगा कि आप सफाई कर ले और अपनी मम्मी को कैमरा पकड़वा दे, आप अपने ब्लॉग में डाल सकती हो ये सफाई वाला काम। ज़रूरी नहीं है कि हर सफाई वाला काम सिर्फ आपकी मम्मी अपने ब्लॉग में दिखाएं, वो आप भी दिखा सकती हैं, नॉट अ बिग डील। अगर आपकी मम्मी स्टेयर्स को वॉश कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आप अपनी मम्मी का रख सकती हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे का भी ध्यान रखती हैं और वो आपकी माँ हैं, तो इतना सा ध्यान रखने में कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बाकी काम आप अपनी मम्मी का दिखा सकते हैं कि वो आपके बच्चे का किस तरह से ध्यान रखती हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि आप अपने बच्चे का जितना ध्यान रखती हो या आपकी मम्मी रखती हैं, वो सबको पता है कौन कितना रखता है, तो बेटर है आप वही वाले ही चीज़ें अगर दिखाएंगी तो सबको अच्छा ही लगेगा। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो गधी आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका बेबी है। जैसा कि आप भी बोलती हैं कि ऑब्वियसली आपका बच्चा ही आपके लिए अब सब कुछ है, लेकिन क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर बेबी पूरा कर पा रही हैं? तो इस बात पर आप कहती हो कि वीडियोस बनाना तो मेरी जो है जॉब है, पर मेरा सवाल अब आप लोगों से है कि अगर कोई लड़की YouTube पे नहीं है और जॉब करती है, कोई भी जॉब, XYZ कोई भी जॉब कर रही है, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लेती है? क्या वो ये बोलती है कि मैं जॉब कर रही हूँ तो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे को खाना खिलाने का? होता है क्या ऐसा? अब देखो यहाँ पर भी दो केसेस हो सकते हैं। अगर जॉब करने वाला इंसान के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो हेल्पर रख ले, तो एटलीस्ट घर के काम के लिए हेल्पर रख सकते हैं ताकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, राइट? अब आप भी यूट्यूब से इतना सफिशिएंट पैसा तो कमा रही हैं, ये सबको पता है, तो आप एक हेल्पर रख सकती हैं जो आपकी मम्मी की काम में हेल्प कर, और फिर आपकी मम्मी को इस उम्र में ये सब काम करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। दूसरा ये होता है कि जो लोग जॉब करते हैं उसमें भी कई बार ये होता है कि उनको इतना सफिशिएंट पैसा नहीं मिल पाता है कि वो हेल्पर रख सकती हैं, तो क्या तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ती हैं? जैसा कि हमारी गधी ने झाड़े बैठी है कि मैं तो वीडियोज़ बनाती हूँ, जॉब करती हूँ, मेरी जॉब है, तो इसलिए मुझे बाकी काम करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरे बूढ़े माँ बाप जो हैं वो काम करते हैं, मेरे बच्चे की देखभाल करते हैं, क्योंकि इनके पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन क्या दुनिया में बाकी जो माएँ हैं, क्या उन्होंने भी ऐसा कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो दूर हटे थे? क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा भैया कि जॉब कर रहे हैं ये कहकर वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही ना दे।
ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा जैसा कि ये करते हैं। 100% इनकी मम्मी ही इनके बच्चे का ध्यान रखती हैं। और एक बात और ये बोलना चाहूँगी कि गदी स्पेशली तुमको बोल रही हूँ कि देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखती है ताकि तुम वीडियो बना लो, ठीक है, चलो यहाँ तक भी मान लिया, लेकिन जो उनको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, अब तो तुम सब लोग कमाते हो यूट्यूब से, तो एक हेल्पर उनकी रख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको याद हो कि आपने जो एक व्लॉग बनाया था जिसमें आप ये कह रही थी कि आपकी मम्मी फर्स्ट टाइम आपके उस छोटे वाले फ्लैट में जा रही हैं, तो उसमें आप एक बार अपने व्लॉग को खुद देखना, आपकी मम्मी ने बच्चे को उठाया हुआ है और वो सीढ़ियों पे चढ़ रही है, उस टाइम आपका बच्चा लटका हुआ है, वो गोदी में प्रॉपर तरीके से है ही नहीं, वहाँ पर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, आपका ही बेबी है लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ना या उतरना हो तो बेबी को आप उठाएं बजाय कि फ़ोन उठाने के, क्योंकि फ़ोन अगर गिर जाता है तो आपको पता ही है इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन बच्चे के साथ आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो वीडियो में सिर्फ कंटेंट 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 के लिए ऐसा करना थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो मम्मी के आज की वीडियो है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो आपके बेबी को गोद में उठा के नीचे उतर रही हैं, और उसमें कमेंट भी किया हुआ है किसी ने कि जिस टाइम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं उस टाइम थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अभी आपकी मम्मी की जो कंडीशन है आप देख ही रहे हो कि उनमें इतना स्टेमिना भी नहीं है कि वो इतना काम कर पाए जितना आजकल उनको करना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि इतना काम करने के बाद भी फिर भी घर मैसी लग ही रहा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली अभी आप बच्चे का इतना ध्यान रखें कि जब भी स्टेयर से उतरना चढ़ना हो तो आप फ़ोन को रख कर बेबी को गोदी में ले लें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको थोड़ा सा निभा लें, ठीक है। तो बाकी बातें तो बाद में ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।